हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्टे टाइम। गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट आप मात्र 2 मिनट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट होता है, आप किसी भी बुक के पहले जो पहला पेज देखते हैं जिसमें सभी कंटेंट वन बाय वन पेज नंबर के साथ लिखे रहते हैं, उसे हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं या फिर कोई थीसिस क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई फाइल आप क्रिएट कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल वर्क क्रिएट कर रहे हैं और कहीं पर भी आपको ऐसी जरूरत पड़ती है जहां पर आपको अपने कंप्लीट वर्ड फाइल के लिए टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत है, तो आपको जस्ट यहां पर जो मैं प्रोसीजर बताने जा रहा हूं जस्ट वो फॉलो करना है और आप मात्र 2 मिनट में टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। इसके लिए मेरे पास, चलिए हम चलते हैं अपने सिस्टम में। मेरे पास यहाँ पर एक सैंपल फाइल यहाँ पर है जिसमें मेरे पास कुछ पेजेस की, यानी कि 18 पेजेस की एक मेरे पास फाइल है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कि ये आपका डेटा है जिसमें आपके पास हेडिंग्स हैं और उसके नीचे आपके पास उनका कंटेंट है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं जब टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जिस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, हेडिंग होती है और उसके सामने वो कौन से पेज नंबर पर अवेलेबल है ये आपके सामने होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कंटेंट के सबसे शुरुआत में आ जाना है और यहाँ पर आपको प्रेस कर देना है Ctrl+Enter। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपके पास फर्स्ट पेज है वो ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पेज पर कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, जितनी भी इसकी हेडिंग्स हैं उसको आपको हेडिंग वन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, जस्ट आपकी जो हेडिंग है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, देन यहाँ पर आपके पास स्टाइल रिबन में आपके पास हेडिंग वन आएगा, जस्ट इसको आप सिलेक्ट कर देंगे। अगर आप इसको फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बोल्ड एंड आप अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जितनी भी आपके पास हेडिंग्स हैं यहाँ पर उनको आप इसी तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर अगर सपोज आपके पास हेडिंग के अलावा सब हेडिंग्स भी हैं तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपने कई जगह पर टेबल ऑफ कंटेंट में देखा होगा कि एक मेन हेडिंग होती है, उसके नीचे जो सब हेडिंग्स हैं वो कौन से पेजेस पर हैं वो भी इंक्लूड होता है। तो वो आप कैसे करेंगे, सपोज कि कई बार तो आपके पास यहाँ पर आता है हेडिंग वन देन हेडिंग टू सिलेक्ट करने के लिए, अगर आपके पास ऐसा नहीं आ रहा है तो आप स्टाइल के जस्ट इस बटन पर जाएंगे, ऑप्शन बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास सिलेक्ट स्टाइल्स टू शो यहाँ पर आएगा। आप यहाँ पे इसको रिकमेंडेड कर देंगे और यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर लिखा आ रहा है, शो नेक्स्ट हेडिंग when previous level is used। ठीक है, आप इस पर चेक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप हेडिंग वन यूज कर चुके हैं तो हेडिंग टू का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज कि माई कंप्यूटर के अंदर आपके पास एक सब हेडिंग है जिसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, रिसाइकल बिन को हेडिंग टू सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जहां पर आप करना चाहो, और आप अगर फॉन्ट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकल बिन के बाद आप मिनिमाइज और इसको भी हेडिंग टू सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जस्ट आपको सिलेक्ट करना है, जिनको आप हेडिंग टू करना चाहते हैं आप हेडिंग टू सिलेक्ट करें, जिनको आप मेन हेडिंग रखना चाहते हैं उसको आप हेडिंग वन सिलेक्ट रखें। ठीक है, हेडिंग टू ये मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, आप इनको सेट कर सकते हैं, जैसे कि टास्क बार वगैरह यहाँ पर चेंज हो रहा है इसकी प्री डिफाइंड हेडिंग के, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंगली, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्टाइल ये सिलेक्ट रहेगी। ओके, देन ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग टू सिलेक्ट कर ली, नाउ मैं यहाँ पर हेडिंग वन सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग वन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका वो कंटेंट रहेगा जो आपका मेन कंटेंट रहता है, ये भी आप देखते ही पहचान जाएंगे। इसको मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ और सभी हेडिंग वन यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ जिससे कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कंटेंट कंप्लीट हो गया है, सभी हेडिंग्स जिनको आप इंक्लूड करना चाहते हैं
आपको उसकी स्टाइल सेट करनी पड़ेगी, चाहे वो हेडिंग वन करें आप, चाहे वो अपने हेडिंग टू करें, या फिर सब हेडिंग्स के भी अंदर हेडिंग्स हैं तो आप उसको हेडिंग थ्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेट करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं वो टेबल ऑफ कंटेंट में इंक्लूड हो जाए। आप टेबल ऑफ कंटेंट आप कैसे करेंगे, फर्स्ट हेडिंग से जस्ट पहले जो आपका ब्लैंक पेज है जिस पर आप चाहते हैं जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आए, वहां पर आप डबल क्लिक करके कर्सर ले आए, और कर्सर लाने के बाद जस्ट आप जाएंगे रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर आएगा टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगी, ऑटोमेटिक टेबल वन, ऑटोमेटिक टेबल टू, मैनुअल टेबल, ठीक है। और यहाँ पर आप जो भी ऑनलाइन भी आप चाहें तो वहां से भी आपके पास टेम्पलेट आ जाती है। तो सपोज कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स ये टेबल टू हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे पास आ गए हैं विद पेज नंबर्स, ठीक है। इसको हम थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पेज नंबर वन पे है विंडोज एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स, डेस्कटॉप, माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर के अंदर जितने हमने सब हेडिंग्स यहाँ पर सिलेक्ट करे वो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वापस से हमने हेडिंग वन यहाँ पर सिलेक्ट करे तो यहाँ पर हमारे पास उनके मेन हेडिंग्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कि आपको यूज करना चाहिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या फिर कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स रिलेटेड कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की जरूरत है। तो होपफुली आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल रहेगी अगर आप वर्ड पर बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए, और देखते रहें बस पे टेक। धन्यवाद, जय हिंद।